इतना अच्छा सहला रहे उनको, आराम ही आराम फील हो। इग्वाना सर लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जॉटिक पेट्स इन इंडिया। बुरा मान गए तुम। हाँ आप देख सकते हो इसके बेली पर ब्लूइश कलर है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफर में आप भी मेरे हम सफर बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के ये व्लॉग आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही एग्जॉटिक और बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसीलिए है कि आज हम जो है एग्जॉटिक वेराइटीज़ के पेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके एक्सपर्ट यानी कि गौस से बात करेंगे। इन डिटेल वीडियो देखिए, इन डिटेल सीरीज देखिए, बहुत अच्छे अच्छे जो है इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे। आज के ये व्लॉग में हम इग्वानास के बारे में इन डिटेल जानेंगे सैयद गौस कादरी से। हैदराबाद हैमस्टर के ओनर है सैयद गौस कादरी। इन्हों एक बहुत अच्छे हॉबीस्ट है, इनका कलेक्शन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये जो व्लॉग्स बना रहा हूँ मैं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ये सेल के लिए प्लीज़ इनको कोई भी कांटेक्ट ना करें। अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ इनको कांटेक्ट करके कुछ भी क्वेरीज़ है आप पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे खलील भाई ग्रीन इग्वानास के बारे में। जी आप शायद सोच रहे होंगे व्यूअर्स आपके कि मैं ग्रीन इग्वाना कह रहा हूँ और यहाँ सामने एक रेड कलर की इग्वाना बैठी है। एक्चुअली इग्वाना इज ए जीनस ऑफ हर्बिवोरस लिजर्ड्स। इग्वाना एक जीनस है और उसके अंदर बहुत सारी सब स्पीशीज आती हैं। तो आप ये आप जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं साइंटिफिकली इग्वाना इग्वाना, इट्स ए साइंटिफिक नेम, और इसको ग्रीन इग्वाना कहते हैं। ग्रीन इग्वाना में अलग अलग मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ एक रेड इग्वाना है, और आई जस्ट ट्राई टू शो यू ए ब्लू इग्वाना अडल्ट फीमेल है। अभी इसका कलरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप देख सकते हो इसके बेली पर ब्लूइश कलर है, बट ऊपर से जो रेड टिंट आई है दैट्स कॉमन इन अडल्ट इग्वानास। अडल्ट होते होते थोड़ा कलर रिटेन नहीं करते, और इसी तरह आप खलील भाई थोड़ा सा पास आ जाए तो यहाँ से ग्रीन इग्वाना भी हम दिखा देंगे। सो इसमें एक कलर थोड़ा कवर हो जाएंगे। यहाँ पर एक ग्रीन इग्वाना नीचे सन में बास्किंग कर रही है, यहाँ पर एक रेड इग्वाना बैठी हुई है, और यहाँ पर ये जो है ये ब्लू है। आप थोड़ा सा करीब आके इसको कवर करेंगे तो नजर आ रहा है ब्लू है। ये अडल्ट होने के कारण इसके ऊपर का कलर डार्क हो चुका है। सो इग्वाना सर लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जॉटिक पेट्स इन इंडिया एंड थ्रू आउट द ग्लोब एज वेल। तो इग्वानास के बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले मजीद मैं ये बता दूँ कि जो भी इग्वाना ले रहे हैं इट नीड्स टू हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज इग्वाना इज लिस्टेड अंडर साइट्स 2, और इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से शेड्यूल 4 अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है इग्वाना। तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। अगर आप किसी से भी ले रहे हो सो मेक श्योर दे हैव द परिवेश 2.0 पेपर्स, प्रोजनी ट्रांसफर लीजिए, प्रॉपर बिल लीजिए, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करके वेरीफिकेशन करवाइए। सो दैट वॉज द लीगल एस्पेक्ट। एंड जियोग्राफिकली नेटिवली अगर देखा जाए तो इग्वाना जो है वो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वहाँ से नेटिव है, बट अभी एज अ पेट थ्रू आउट द ग्लोब मिल जाते हैं। सो इनकी लाइफ स्पैन आप बात करेंगे कैप्टिविटी में तो इनकी लाइफ स्पैन रहती है अराउंड 15 to 20 ईयर्स, एंड दे ग्रो अप टू अ साइज ऑफ अराउंड 5 to 6 फीट मैक्सिमम फ्रॉम हेड टू टेल। एंड उनकी डाइट बहुत बेसिक है, जैसा कि आप इनको फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, ये सारी चीज़ें ये खाती हैं। एंड आप अगर इनका एनक्लोजर इंडोर रख रहे हो सो मेक श्योर यू गिव देम ए गुड यूवीबी सोर्स, यूवी लाइट की सोर्स आपको देनी है, सो डेट दे डोंट डेवलप एनी डिसऑर्डर्स लाइक मेटाबॉलिक बोन डिसीज। D3 वगैरह उनको सब होना चाहिए, जैसा कि रोडेंट आपको सॉरी रेप्टाइल कैल्शियम्स आते हैं वो आप इनके डाइट पे डेली स्प्रिंकल करिए। और यूवीबी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट में अक्सर यूवी के नाम पे मिलती हैं वो सारी डमी होती है। आपको लेना है तो आप लीजिए एक्सोटेरा का या लकी हर्ब का आप यूवी लीजिए, वो अच्छा होता है, जेन्युइनली उसमें यूवी होता है, वो यूज़ करिए। और इफ़ यू हैव एन एडल्ट इग्वाना आपको बालकनी वगैरह में आप रख सकते हो जहाँ पे सनलाइट आती है फॉर एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स अ डे। तो आपको बस जब भी रेप्टाइल का एनक्लोजर बना रहे हो सो यू मेक श्योर दैट इट हैज़ ए हीटिंग स्पॉट एंड ए कूलिंग स्पॉट। अगर आप खलील भाई थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेंगे आप देख सकते हो यहाँ हमने केज के अराउंड 30% पार्ट पे शेड डाल रखा है, सो दैट द इग्वानास कैन एस्केप द रेन, और अगर उनको धूप ज़्यादा हो जाए तो शेड में जा सकते हैं। एंड द एनक्लोजर आप दूसरे साइड ऊपर देखेंगे तो
ऊपर सारा ओपन है, तो यहाँ से इसको धूप मिल जाती है। जैसा कि अभी ये बास्क कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ ये बास्किंग कर रही है, और जिसको शेड चाहिए वो शेड में जाकर बैठी। और वी हैव प्लांटेड लाइक ट्रीज, ये पाम वैरायटी से जो इग्वाना खाएगी नहीं, यहाँ एरेका पाम है, यहाँ पर भी कुछ पाम वैरायटी, और हमने लेमन ग्रास लगा रखी है। सो दीज आर द प्लांट्स। कभी भी इग्वाना के केजेस में क्रोटन्स मत लगाइए और मनी प्लांट्स वगैरह मत लगाइए, मोस्टली प्रेफरेबली कुछ पाम वैरायटीज डाल दीजिए, दे वोंट इवन ईट इट, और अच्छा भी रहेगा उनके लिए शेडी। और आप कुछ पूछना चाहेंगे खलील भाई इसके बारे में? एक ओवरव्यू तो मैंने दे डाला है। जनरली जो है आप इन डिटेल जो है इनके बारे में, यानी कि ऊपर चीज़ें जो है बता दिए कि इनको जो है किस तरह से रखना है क्या बोलते। अब ऐसे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक एक चीज़, इनका आइडियल केज साइज क्या होता है? अभी देखिए एज ए बेबी आप ले रहे हो इग्वाना को, तो एज ए बेबी अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा हैचलिंग लोगे, सो फॉर इनिशियल डेज आप अगर केज लोगे तो केज आप ऐसा करिए कि मॉस्किटो मैश वाला केज यूज़ करिए, और 1/8 साइज, या नहीं तो आप एक्वेरियम में रखिए, और एक्वेरियम के एक साइड पे बल्ब लगा दीजिए यूवीवी बल्ब, और एक साइड कूलिंग स्पॉट के तौर पर रखिए, और वाटर डिश रखिए जिसके अंदर वो सोक कर सके, और ऊपर से आपको मॉस्किटो मेश का टॉप बना देना है एक्वेरियम को। सो इग्वाना हैचलिंग आई सजेस्ट लाइक एक 2.5 feet साइज का आप एक्वेरियम ले लीजिए, और लेटर ऑन व्हेन द इग्वाना रीचेस अ साइज ऑफ 18-20 inches आप उस टाइम पर एक 3/2 का केज दे दीजिए। और एक अडल्ट इग्वाना के लिए आई थिंक लेंथ 6 feet, हाइट 4 feet और डेप्थ 3 feet, ये साइज का केज होना चाहिए एक अडल्ट इग्वाना सिंगली अपेयर रखने के लिए। बिकॉज आई हैव मेड ए ओपन एवेरिया आउटसाइड फॉर इग्वाना, मेरे वाला है शायद आई थिंक 14 feet by 8 feet by 8 feet की मेरी डायमेंशन दे रखी है मैंने, बिकॉज आई लाइक टू कीप थिंग्स इन द वे दे एक्चुअली डिजर्व। आपका जो सेटअप है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये एग्जॉटिक पेट्स रखना है तो इस तरह से रखेंगे तो ही जो है इनकी ब्यूटी इन्हांस होगी और इनको सही जो है इन्वायरमेंट जो है मिलेगा। वीडियो कम्प्लीट देखिए, अगर जो है पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पर, आपको एग्जॉटिक वेराइटीज के पेट्स के बारे में देखने को मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है पूरी मिलेगी आपको। अब रही बात जो है इनके म्यूटेशंस की, जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि ये जो है मे बी हमको जो नज़रों से दिखा ये जो है ऑरेंज है वो ब्लू शेड में है, ग्रीन है, तो इसमें कितने म्यूटेशंस आते हैं कलर्स? म्यूटेशन इग्वाना के अंदर जो मेजर आपको कलर मिलता है ग्रीन मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, रेड के अंदर और एक आता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड यानी वो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज रहेगा, और रेड आइस वाला म्यूटेशन है, एक एल्बाइनो की एक जीन है। और उसके अलावा हो गया क्रिम्सन रेड के अलावा आपको स्नो आता है फुल वाइट विथ रेड आइस, और आपको आता है ल्यूटिनो वो आता है येलो विथ रेड आइस, और इसके अलावा आपको रेड के अंदर और एक किस्म आएगी जिसको आप फॉल्स रेड कहते हो, यानी इग्वाना ऊपर से रेड रहेगा और बीच बीच में ग्रीन पैचेस रहेंगे और बेली पे भी ग्रीन आएगा। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल म्यूटेशंस इन इग्वानास। अगर आप रेड्स ले रहे हो तो आई पर्सनली डोंट प्रिफर, नाइदर आई एनकरेज द रेड आई म्यूटेशंस द एल्बाइनो इग्वानास, क्योंकि उसके ब्रीडिंग में डिफेक्ट आता है। मोस्टली द इग्वाना विथ रेड आईज आर पार्शियली ब्लाइंड और फुल्ली ब्लाइंड। सो अगर आप किसी से भी रेड इग्वाना ले रहे हो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड आई, सॉरी आई सेड रेड इग्वाना बट रेड आई वाले कह रहा हूँ, एल्बिनिज्म की जीन जिसमें जैसा कि क्रिम्सन हो जाए, स्नो हो जाए, लुटिनो हो जाए, सो मेक श्योर दे आर एबल टू लाइक लुक अराउंड, आप देख लीजिए उसको हाथ वगैरह अगर सामने ले जा रहे तो खींचे हट रही है, मतलब वो ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन आई डोंट प्रमोट दिस थिंग, नाइदर आई हैव केप्ट इट इन माई कलेक्शन, आई फील ब्रीडिंग दोस इज काइंड ऑफ अनएथिकल। जी, आपने इनके फूड हैबिट्स के बारे में बता दिया ना जी। अब इनका जो है अडल्ट एज क्या होती है जनरली? एज ऑफ मैच्योरिटी मोस्टली होती है अराउंड 2.5 to 3 years। अच्छा, जैसा कि ये बच्चों की हॉबी तो नहीं दिख रही मुझे, छोटे बच्चे तो नहीं रख सकते हैं? अब ये अडल्ट जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं, मेच्योर पर्सन जो होते हैं, वही लोग रख सकते हैं इनको? और मैं ये सुना कि ये लोग जो है जैसे कि डॉग जितने फ्रेंडली होते हैं वैसे ही ये भी फ्रेंडली होते हैं बल्कि, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, इग्वाना बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छा पेट बनता है, बट जैसा मैंने बताया मेक श्योर द सोर्स फ्रॉम होम यू आर परचेजिंग इज ए लीगल पर्सन, लाइक लीगल सेलर फॉर एग्जॉटिक पेट्स, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो,
अगर ब्रीडर है तो आपको प्रोजेनी ट्रांसफर दे रहा है, एक रिटर्न में बिल दे रहा है कि आई हैव सोल्ड दिस एंड दिस थिंग्स टू दिस एंड दिस पर्सन करके उसकी सिग्नेचर वगैरह डेट के साथ वो लीजिए। और देखिए, जब भी कोई भी एक्जॉटिक एनिमल है, इट्स ए बर्ड और एनिमल और ए रेप्टाइल, जब भी ले रहे हो, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन ए नॉन नेटिव स्पीशीज, आपको बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में केयरफुल रहना है कि आपका स्पेसिमन एस्केप नहीं करना चाहिए। अगर वो एस्केप करेगा सो इट इज अ थ्रेट फॉर द लोकल इकोसिस्टम, एक इन्वेसिव स्पीशीज बन जाएगा। ऑलरेडी द इंडिया इज बैटलिंग विद मेनी इन्वेसिव स्पीशीज ऑफ आइदर प्लांट्स और आइदर रेप्टाइल्स। आपको रेडेड स्लाइडर टर्टल है, वो लेक्स के अंदर इन्वेसिव बन चुका है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से, लोकल इंडियन फ्लैपशेल टर्टल पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हो रही है। सो मेक श्योर योर एनक्लोजर्स आर एस्केप प्रूफ। और इग्वानास अगर आउटडोर रख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से इग्वाना डिक करता है। तो अभी ये जो आप केज देख रहे हो मेरा, इसके वो चार साइड अंडरग्राउंड इस लेवल के नीचे जो यहाँ जहाँ से सॉइल शुरू हो रही है, चारों साइड 2-2 feet की दीवारें हैं नीचे, और नीचे फिर पूरा कंक्रीट का स्लैब है, सो दैट इवन इट डिक्स इट कांट एस्केप। और आप कैमरा इस तरफ लाएंगे थोड़ा सा खलील भाई, सो दिस इज द फर्स्ट डोर, दिस इज द सेकेंड डोर ऑफ अवर एनक्लोजर, और उसके अंदर दिस इज द फर्स्ट डोर, जब जो भी इसको फीड करने आएगा इसका भी चैम्बर में घुसेगा, ये डोर लगाएगा, फिर ये वाला पूरा पैक हो गया है, ऊपर भी पैक है, यहाँ से कोई एस्केप नहीं कर पाएगा, फिर ये वाला डोर लगाएगा, फिर अंदर आएगा। सो इन दिस वे दिस केज इज टोटली सिक्योर्ड, ये यहाँ से कोई भी एनिमल बाहर जाने का चांस ही नहीं है, नाइदर इट कैन डिग एंड गो आउट नॉर इट कैन एस्केप फ्रॉम द अदर रूट्स। तो कोई भी एक्सोटिक स्पीशीज ला रहे हो, एस्केप प्रूफ में रखो और गेट द बेसिक नॉलेज, किसी भी हॉबिस्ट सीनियर हॉबिस्ट से आप बात करिए, उसके नॉलेज उसके बारे में गेन करिए, उसके बाद ही फिर एनिमल लाने की सोचिए। एंड मेक श्योर इग्वाना इज नॉट अ स्मॉल पेट, इट रियली ग्रोस बिग एंड इट रिक्वायर्स सर्टेन स्पेस। इसको नोस पे हॉर्न है, और ये जो स्पाइक्स है ना, पूरे पूरे प्रॉपर स्पाइक्स है, डैमेज नहीं है। एक्चुअली अडल्ट होते होते लोग ना डैमेज कर लेते, वेल मेंटेन्ड है, और देखो ना कितना मतलब सुकून में है, ये काम है, पूरा टेम ही बना है, दोस्त का पेट है ये। यहाँ देखिए इसको हॉर्न आया, और ये पूरे स्पाइक्स अच्छे मेंटेन्ड है बहुत। बिस्मिल्लाह, जरा आंख खोलो मां, जरा आप इतना अच्छा सहला रहे, उनको आराम ही आराम फील हो रहा, मसाज मिल रही फ्री की बोल के। पहली बार देखो मैं इग्वाना सी रहा हूँ। ये जो बैठी हुई है ना बड़ी, उन्हें भी छोटी दिखना वो लोग के सामने। पहली बार गिरगिट कुत्ता करीब से छिप गिरगिट इग्वाना एग्जॉटिक गिरगिट। उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल खलील के सफ़र को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। सी यू सून विद अनदर ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।